हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स जल्दी चैनल में। आज हम जानेंगे चूहों के बारे में। चूहा मध्यम आकार का पतली पूंछ वाला कृंतक है। इसकी उत्पत्ति एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। भारत में चूहे को भगवान गणेश के वाहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर में इसकी पूजा होती है और इसका छुट्टा प्रसाद वितरित किया जाता है। चीनी राशि चक्र के 12 जानवरों में चूहा प्रथम स्थान पर आता है। इसे रचनात्मकता, बुद्धिमानी, उदारता, ईमानदारी के प्रतीक माना जाता है, लेकिन छोटा सा दिखने वाला यह जीव खतरनाक भी है। यह प्लेग सहित ऐसे कई खतरनाक रोगों का वाहक है जो मनुष्य को मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं। इनके द्वारा मचाई बर्बादी के आंकड़ों पर जाए तो ये ज्ञात होता है कि दुनिया के कृषि उत्पादों का 20% हिस्सा इनके द्वारा ही बर्बाद किया जाता है। चूहों के बारे में कई बातें जो हैरान भी करती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसके दांत स्टील, प्लेटिनम और कॉपर से भी अधिक कठोर तथा मजबूत होते हैं। 50 फीट की ऊंचाई से कूद जाने पर भी इसे कोई चोट नहीं लगती। ये दो पैरों पर खड़े होकर 2 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। दुनिया में चूहों की 60 से भी अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ चूहे नहीं पाए जाते। पालतू जानवर के रूप में रखा जाने वाला सबसे आम चूहा फैंसी रेट है, जिसे रेटस नॉर्वेजिकस डोमेस्टिका भी कहा जाता है। चूहों का आकार आमतौर पर 5 इंच या उससे अधिक होता है। बिना भोजन के चूहे 4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। अधिकांश चूहे निशाचर होते हैं, हालांकि बुरे चूहे अक्सर दिन या रात में जागते हुए देखे जाते हैं। चूहे एक बार में 20 से अधिक बच्चे जन्म दे सकते हैं। नए जन्मे चूहे की आँख बंद रहती है, उनकी आँख खुलने में 12-17 दिन का समय लगता है। चूहों के दांत बहुत मजबूत होते हैं, वे इससे कांच, सिंडर ब्लॉक, तार, एल्यूमिनियम और शीशे तक को आसानी से चबा सकते हैं। चूहों की पूंछ उन्हें संतुलन बनाने और शरीर का तापमान विनियमित करने में सहायता करती है। तो दोस्तों, ऐसे और कई नए अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।